एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। शहर के पुराना तालाब पर जनविज्ञान परिषद दमोह के मार्गदर्शन में उन्मुक्त सर्वजन कल्याण सेवा समिति संस्था द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया गया एवं सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दमोह के निर्देशन पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इसमें पूर्व विधायक अजय टंडन ने कहा कि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है एवं स्वच्छ भारत का अभियान कैरी बैग वितरण कर प्लास्टिक मुक्ति का प्रयास किया गया है। वहीं इस अवसर पर अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद दमोह के सुशील कुमार नामदेव ने स्वच्छ दमोह सुंदर नमो एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए सभी को यह संकल्प दिलाया। वहीं राहुल पाठक ने समस्त आगंतुक अतिथियों का एवं पितृ तर्पण समिति का आभार माना। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। नशे की किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। ना किसी को सेवन करने दूंगा। अपने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा। भारत माता की जय। आज उन्मुक्त समाज सेवी संस्था के द्वारा पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर पितृ तर्पण करने के लिए आए हुए सम्माननीय सभी नागरिक बंधुओं से स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत सबसे स्वच्छता की शपथ कराई गई। साथ में आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सभी को नशा मुक्त रहने के लिए और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प दिलाया गया। उसी संस्था लगातार समाज जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। मैं श्री राहुल पाठक जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भाई राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर भी है महात्मा गांधी का और स्वच्छ भारत के अभियान में जो आपका ये बढ़िया प्रयास है कि सबको कैरी बैग देकर और प्लास्टिक का जो अपन उपयोग करते हैं उसको बंद कराने में आपने जो प्रयास किया है वह वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और आज का दिन भी वह दिन है पितृमोक्ष अमावस्या। आज के दिन सभी ने यहाँ पर आपके प्रवचनों से आपके उससे अपने पितरों को याद किया, उसके लिए भी आप शहर के तो क्या सभी लोगों के लिए आप धन्यवाद के पात्र। आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर अमर देश के अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व कपूर के द्वारा उनकी आरती की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि अजय कुमार टंडन जी, कविता राय जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सुशील नामदेव जी, जिला समन्वयक जी, इन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया एवं प्लास्टिक मुक्त भारत के अंतर्गत सभी को कैरी बैग वितरण किया गया, जिसमें उन्मुक्त सर्वजन कल्याण समाज सेवी संस्था के द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली व देश के अमर शहीद जवानों के लिए पिंडदान दिया गया। कितने वर्षों से यह निरंतर घाट पे कार्यक्रम चल रहा है आपका? ये विगत 15 वर्षों से निरंतर चल रहा है और 15 वर्षों से राष्ट्र के अमर शहीद जवानों को पिंडदान भी दिया जाता है। नशा मुक्त रहने के लिए स्वच्छ सुंदर शहर एवं समाज का निर्माण हो, इस उद्देश्य को लेकर के हमारी संस्था उन्मुक्त सर्वजन कल्याण समाज सेवी संस्था निरंतर और प्रयासरत है, आगे भी रहेगी। जी जी, बहुत धन्यवाद जी। बताइए, आपके संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पंडित राहुल शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर सभी के पितरों को तर्पण का आयोजन किया जाता है, जिसमें यहाँ के सभी लोग पधारते हैं। इसके साथ साथ आज उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी, उन्हें भी तर्पण किया और स्वच्छता के आधार पर आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्होंने कैरी बैग सभी को भेंट किए, जो कि यह संदेश है कि हमेशा पन्नी से होने वाले जो भी दुष्परिणाम है, चाहे उन्हें जानवर खा लें या वो कई वर्षों तक जहां डले रहते हैं तो सड़ते नहीं हैं, तो उससे भविष्य में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने कैरी बैग
और स्वच्छता का संदेश दिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आगे भी आप ऐसे ही नशा मुक्ति स्वच्छता कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इसके लिए आप पूरे दमोह जिले वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।